आपने टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड देखा एज द हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और आपने प्रेशर एनर्जी के लिए देखा कि टोटल प्रेशर एनर्जी इज द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर एनर्जी पी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड आपको जो मिला वाज द पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, और इसको बर्नौली ने कहा कि इट इज कंजर्व, जैसा कि सभी सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व होती है वैसे ही फ्लोइंग लिक्विड की भी टोटल एनर्जी कंजर्व है। इसको प्रूफ किया गया अंडर द थ्योरम बर्नौली थ्योरम। इसका प्रूफ आता है आपके होम एग्जामिनेशन में, काफ़ी बड़ा है लेकिन देखिए इसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप प्रूव करेंगे कि अगर लिक्विड फ्लो कर रही है किसी भी दो पॉइंट पर हम हाथ रख रहे हैं जनरेटेड एनर्जी को लिखें तो देखेंगे इन ऑल ऑफ द केसेस एनर्जी इज कमिंग इक्वल। तो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं बर्नौली थ्योरम। अगर बर्नौली थ्योरम की बात करें तो आप ऐसे समझिए आप एक पाइप ले लीजिए आप नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, ये ग्राउंड ले लीजिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपके पास एक पाइप है जिसके दो एंड है, एक की हाइट आप h1 एज्यूम कर लीजिए और एक की हाइट आप h2 एज्यूम कर लीजिए। सेम भी हो सकते हैं लेकिन अलग अलग लेंगे तो आसान रहेगा ना हमारे लिए कि हम यहाँ एंट्रिंग के लिए देख लें टोटल एनर्जी कितनी है, वहाँ लिविंग पॉइंट के लिए देख लें टोटल एनर्जी कितनी है और चेक करते हैं देखते हैं क्या ये बराबर आता है। देखिए कितने पैरामीटर आपको इन्वॉल्व करने होंगे। हमने एक पाइप लिया है आप एनी ऑर्बिट्री से आप एनी यूनिफॉर्म आप एनी क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यहाँ एरिया A1 ले लीजिए, अच्छा इसको एक्स एंड कह लीजिए तो थोड़ा लिखने में आसानी रहेगा, ये एक्स एंड है एंट्रिंग वाटर के लिए और ये वाई एंड है लिविंग वाटर के लिए। इसका एरिया A2 डिफाइन कर ले रहे हैं, इसके पास जो एरिया है एरिया ऑफ इमर्जेंस, यहाँ अगर हम लिक्विड को एंट्री कराए तो हमें कुछ प्रेशर देना पड़ेगा टू एंटर द लिक्विड कंटिन्यूअसली, से जो प्रेशर आपको देना पड़ रहा है इज द P1। इस प्रेशर की वजह से लिक्विड टी टाइम में एक्स डिस्टेंस एंटर कर जा रहा है एट दिस एंड, और जब हम दूसरे एंड पर देख रहे हैं तो ये लिक्विड बाहर निकल रही है विथ सम प्रेशर P2 विथ सम वेलोसिटी V2 और कवरिंग वाई डिस्टेंस इन द सेम टाइम टी, यहाँ टी टाइम में एक्स डिस्टेंस की कवरेज है और वहाँ टी टाइम में वाई डिस्टेंस की इमरजेंस है, ठीक है। यहाँ एंट्रिंग वेलोसिटी आप V1 ले लीजिए। अब अगर आप एक्स एंड पर देखें तो आपको लगातार वर्क करना पड़ रहा है टू एंटर द लिक्विड, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है निकाला जाए वर्क डन पर यूनिट टाइम टू एंटर द लिक्विड एट एक्स एंड, यानी स्टेप वन में हम आ रहे हैं, स्टेप वन हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट टाइम टू एंटर द लिक्विड एट एक्स एंड, क्लियर है। वर्क डन पर यूनिट टाइम टू एंटर द लिक्विड एट एक्स एंड, ये हम निकाल रहे हैं लिक्विड को एंटर कराने का वर्क डन। तो यहाँ हमारे पास वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये किस एंड पर है एक्स एंड पर है ना, फोर्स आपको पता है प्रेशर इनटू एरिया, जो P1 प्रेशर आपने लगाया है ओवर द एरिया A1 उससे फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है कैन बी रिटन एज P1 A1 और x अपॉन टाइम आप सोच सकते हैं एज द वेलोसिटी एट एक्स एंड, क्यों इसका मतलब है आपको क्या मिल गया जेट प्लेन लैंड कर गया ऊपर P1 A1 V1, अब तो x की जरूरत नहीं है ना क्योंकि सारे पैरामीटर तो x एंड के दिखने लगे, यानी कि जब हमने लिक्विड को प्रेस किया होगा इन
द एक्स एंड, तो इतना वर्क हम लोग को करना पड़ा होगा पर सेकेंड, पी वन ए वन बी वन, तब लिक्विड एंटर की होगी। और एक्स एंड से एंटर करने के बाद वाई एंड से बाहर निकल रही है ना, इसका मतलब वाई एंड से तो ऑटोमेटिकली वर्क हो रहा है, जो लिक्विड फ्लो हो रही है वो वाई एंड से बाहर आ जा रही है। इसका मतलब है स्टेप टू हम ले लेते हैं, स्टेप टू वर्क डन पर यूनिट टाइम टू मूव आउट बाय द लिक्विड एट नेक्स्ट एंड, क्लियर है? ये वो वर्क डन पर यूनिट टाइम है जो एंट्री कराने के लिए हमने किया, और वहां का वर्क डन पर यूनिट टाइम जो निकल रहा है उतने से वो बाहर आ रहा है उतना वर्क करके, ठीक है? तो यहाँ अगर हम इसको लिखें तब तो डायरेक्ट पता है क्या लिखना चाहिए, यहाँ पी टू ए टू वी टू, इसका मतलब ये हो जाएगा पी टू ए टू वी टू। क्या प्रूव करने जा रहे हैं हम? ये प्रूव करने जा रहा है ना कि टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज कंजर्व, व्हाट बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ हम एंड एक्स और एंड वाई के बीच खाली वर्क डन जानना चाहते हैं। अगर इतने वर्क में से इतना वर्क माइनस कर दें तो क्या पता नहीं चल जाएगा? जस्ट वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम एक्स एंड टू वाई है, हमने तो वर्क किया, उसमें दो काम हुआ, एंटर भी कर गया निकल भी गया, हम सिर्फ जानना चाहते हैं एंटरिंग वर्क डन कितना है। तो हमें एंटरिंग वर्क डन पर यूनिट टाइम में से लीविंग वर्क डन पर यूनिट टाइम माइनस कर देना चाहिए, यानी अगला स्टेप क्लियर है। अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप थ्री, हमारे पास स्टेप थ्री है वर्क डन पर यूनिट टाइम टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लिक्विड बिटवीन एक्स एंड वाई ए, ठीक है? वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लिक्विड बिटवीन द टू एंड एक्स एंड वाई, ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वर्क में से उतना वाला माइनस कर देंगे, पता चल क्योंकि उतना तो बाहर निकल जा रहा है। यहाँ से जस्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास है वर्क डन पर यूनिट टाइम एट एक्स माइनस वर्क डन पर यूनिट टाइम एट वाई, इतना क्लियर है? ये हो जाएगा ना वर्क डन पर यूनिट टाइम एट एक्स, ये हो जाएगा पी वन ए वन वी वन, और ये आपके पास हो जाएगा पी टू ए टू वी टू, बट ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ए वन वी वन और ए वन वी वन सोच के कॉमन कर लें, ए टू वी टू और ए वन वी वन तो बराबर होते हैं ना, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, पी वन माइनस पी टू हो जाएगा ए वन इंटू वी वन, क्लियर है? कैसे ए वन वी वन कॉमन हो गया, ए वन वी वन कॉमन हो गया बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ए टू वी टू इज इक्वल टू ए वन वी वन, ये आपके होम एग्जामिनेशन में आता है और ये काफ़ी लेंदी है बट नॉट अ टिपिकल वन। इसमें अगर स्टेप्स आपको याद हो पाए कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे और पर स्टेप का पर्पज क्या था, तो ईजिली आप प्रूव कर ले जाएंगे, तो लटक जाएंगे बीच में जाके। तो स्टेप टू में पहुंचे, अभी स्टेप टू और आगे जाएगा। स्टेप टू में फिर से चाहे तो वी वन किससे ओपन कर सकते हैं, चाहे तो वी वन हम ओपन कर सकते हैं एक्स बाई टी से, एंट्रिंग ही वेलोसिटी तो है, और एक्स डिस्टेंस की कवरेज कर रहा है इन द टाइम टी, तो एंट्रिंग वेलोसिटी वी वन को लिख नहीं सकते हैं एक्स बाई टी। तो यहाँ अभी इसको देखें तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा पी वन माइनस पी टू ए वन, और v1 को ओपन कर रहे हैं x by t से, क्लियर है? जरा सोच के देखिए तो a1 into x क्या होगा, एंटरिंग वॉल्यूम हो जाएगा, a1 into x एंटरिंग वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ इसको ऐसे सोच रहे हैं p1 माइनस p2 a into x वॉल्यूम ऑफ एंटरिंग लिक्विड अपॉन टाइम, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में P1 माइनस P2 वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, लिख सकते हैं वॉल्यूम को अपॉन टाइम, रहने दीजिए। देखिए आपको फाइनली क्या मिल रहा है, आपको फाइनली मिल रहा है वर्क डन पर यूनिट टाइम बिटवीन x टू y एंड इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू एम बाई रोटी, ठीक है ना? इधर का टी और इधर का टी कैंसिल कर दीजिए, नेट वर्क डन पता चल गया आपको, नेट वर्क डन नॉट द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर था,
यानी किसकी पावर निकल आई है, जो इस पंप की पावर है जो लगातार उसको प्रेशराइज कर रहा है टू मूव बिटवीन द एक्स एंड वाई एंड। अब समझा रहा कि कहते हैं आधा हॉर्स पावर का है, एक हॉर्स पावर का है, दो हॉर्स पावर का है जो वाटर पंप है, तो क्या मतलब होता है उस वाटर पंप को कंटिन्यूस वर्क करना पड़ रहा है ना। अब फेलो दिस, तो यहाँ से आपके पास स्टेप थ्री का फुल एंड फाइनल वर्जन आ गया। वर्क डन बिटवीन एक्स टू वाई एंड इज द पी वन माइनस पी टू एम बाई रो। यहाँ तक क्लियर है? तो स्टेप वन एंटरिंग वर्क डन निकाला, स्टेप टू लीविंग वर्क डन निकाला, स्टेप थ्री वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लिक्विड बिटवीन एक्स एंड वाई एंड निकाला, स्टेप फोर एंटरिंग टोटल एनर्जी निकाला है। एंट्रिंग टोटल एनर्जी कितनी है? अरे V1 से एंटर कर रहा है, H1 हाइट पर है, तो मैकेनिक्स के हिसाब से तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच वन हो जाएगी ना। लीविंग एनर्जी जिस एंड पर निकल रहा है उस पर वेलोसिटी वी टू है और एनर्जी एच टू है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ अगर देखें तो एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगा, एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू हो जाएगा। तो जरा नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, तो स्टेप फोर ई नेट एट यक्स एंड, नेट काइनेटिक एनर्जी एट यक्स एंड, मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहा है, हमें नहीं पता कि प्रेशर एनर्जी भी ली जाती है, ये तो बर्नौली में आएगा ना कि टोटल एनर्जी में पी भी आ जाएगा प्रेशर एनर्जी की, तो ई नेट एट यक्स हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच वन हो जाएगा। इतनी एनर्जी जो है एंटरिंग एंड पर है। और अभी हमारे पास स्टेप फाइव क्या है? स्टेप फाइव है हमारे पास ई नेट एट वाई, वाई पर किस एनर्जी से निकल रहा है? ई नेट एट वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच टू। क्लियर है? चेंज इन एनर्जी निकालना है। क्यों चेंज इन एनर्जी निकालना है? वर्क कर रहा है ना, पंप लगा होगा या लगातार आपको वर्क करना पड़ रहा होगा, इसका मतलब है कि जब हम वर्क कर रहे हैं तो एंड एक्स पर एसोसिएट एनर्जी उतनी है और जब वो लिक्विड ड्रैग करके वाई एंड पर पहुंची है तो उसके पास एनर्जी इतनी है, तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होता है चेंज इन एनर्जी। और क्या वर्क एनर्जी करेंसी में उनको सिखाया नहीं गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो लास्ट स्टेप वही हमारा होगा और देखेंगे कि हम प्रूव करने में सक्सेस होंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज कंजर्व्ड, दैट इज कॉल्ड द बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा स्टेप सिक्स, स्टेप सिक्स चेंज इन एनर्जी फ्रॉम एक्स एंड टू वाई एंड, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी दैट इज द वाई एंड और इनिशियल एनर्जी दैट इज द एक्स एंड, यही ना। इसका मतलब है कि यहां से हमें मिल जाएगा और चेंज इन एनर्जी बिटवीन द एक्स एंड वाई इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी का मतलब ई नेट एट वाई एंड माइनस ई नेट एट एक्स एंड। ठीक है, ई नेट एट वाई, ई नेट एट वाई हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच टू माइनस ई नेट एट एक्स हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच वन। यहां तक क्लियर है? लास्ट स्टेप, स्टेप सेवन वर्क एनर्जी इक्वलेंसी थ्योरम। स्टेप सेवन वर्क एनर्जी इक्विवेलेंसी थ्योरम।
इसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन आ गया ये बिटवीन एक्स एंड वाई एंड इज इक्वल टू रिस्पांसिबल टू चेंज द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड बिटवीन द एक्स टू वाई एंड, ठीक है, डेल डब्ल्यू बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डेल्ली बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, चलिए डेल डब्ल्यू बिटवीन एक्स एंड वाई पी वन माइनस पी टू एम बाई रो और इधर जब तो थोड़ा बड़ा है इक्वेशन दैट इज हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच टू माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच वन, इतना क्लियर है, देख रहे हैं उधर में से एम कॉमन होगा, सब में से एम कॉमन होगा, यम कैंसिल हो गया और रो फेंकी उधर सब में जाके लग जाएगा मास की जगह रो, ऑटोमेटिकली रो आ गया, जबकि हम लोग यहाँ डिफाइन किए थे बाय वॉल्यूम और वहां देख रहे हैं हाफ एम जो बी स्क्वायर था उसका एम कैंसिल हुआ, देख रहे हैं क्या लगने वाला है हाफ रो बी टू स्क्वायर रो जी एच टू रो जी हाफ रो बी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, ठीक है, ये रो उधर गया तो कैसा दिखेगा पी वन माइनस पी टू उधर गया ब्रैकेट ओपन कर दीजिए हाफ रो बी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस हाफ रो बी वन स्क्वायर माइनस रो जी एच वन, यहां तक क्लियर है, अब वन वन सब एक तरफ कर लीजिए क्यों एनर्जी एट वन और टू टू सब एक तरफ कर लीजिए, देखिए ये वाला इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा इधर एक लौता पी टू है और तो बाकी सब तो वन हो चुका है इस माइनस को इधर लाएंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, हाँ नहीं गया ध्यान से देखिए आ गया कि नहीं आ गया यहाँ आपके पास आ गया अगर आप सॉल्व करें तो पी वन प्लस हाफ रो बी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन माइनस पी टू इधर का उधर किए इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, क्या प्रूव हो गया एनर्जी एट फर्स्ट एंड इज इक्वल टू एनर्जी एट सेकेंड एंड, यानी कभी भी हम फ्लोइंग लिक्विड पर हाथ रखें एट डिफरेंट पॉइंट्स तो इन सभी डिफरेंट पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी कंजर्व मिलेगी, ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है यानी फ्लोइंग लिक्विड की टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है, अगर आप अगले स्टेप में आएंगे तो क्या लिख सकेंगे इसको लिख सकेंगे एज द पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्यों दो पॉइंट पे बराबर है तो जनरली इसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली यानी कि हम p प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो जी एच कहीं भी निकालें तो हर बार ये कॉन्स्टेंट आए, तो इस तरीके से आपने प्रूव किया बर्नौली थ्योरम, वैसे तो मैंने प्रिंटेड आपको दे दिया है ठीक है लगाइए और देखिए आपसे लग रहा है नहीं, मैंने आपको दिखा दिया कि हाउ यू कैन प्रूव दैट टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज कंजर्व, अगर लिक्विड ऑन ग्राउंड होता लिक्विड फ्लोइंग ओवर ग्राउंड लिक्विड फ्लोइंग ओवर ग्राउंड तो आपको h को जीरो कर लेना होता, अगर h जीरो कर लेते तो आपके पास हो जाता प्रेशर एनर्जी अब प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन इसी इक्वेशन का हम करते हैं, ये दोनों के लिए इक्वली वैलिड है एयर के लिए भी वैलिड है और फ्लोइंग लिक्विड के लिए भी वैलिड है, फॉर एग्जाम्पल ये फैन एयर कैसे दे रहा है ये आप पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर से समझ सकते हैं,
इस फैन के पास वेलोसिटी है, यानी ये वाला टर्म हाई है हाफ रो वी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म कम हो गया। प्रेशर यानी जैसे इसकी ब्लेड चली बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके पास आ गया हाफ रो वी स्क्वायर, इसके पास प्रेशर कम हो गया क्योंकि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी इज द कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर कम, जहां फैन है वहां प्रेशर कम और थोड़ी दूरी पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक। आपको अच्छी तरीके से पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर का फ्लो मेंटेन होता है, यानी जैसे ही फैन की ब्लेड चली तुरंत प्रेशर रिड्यूस हो गया नियर द फैन, जबकि ऑल अराउंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। सो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खिसक गई। अभी खाली पॉलिथीन यहाँ छोड़ा है तो वो खींचते हुए दिखाई देगा, साफ साफ फैन खींच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फैन का जो वर्किंग है इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस इक्वेशन। चलिए, इसके ढेर सारे एप्लीकेशन में जाने से पहले, बर्नौली के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, कम से कम 15-20 एप्लीकेशन तो हम आपको यहाँ एट ए ग्लांस से बता दे रहे हैं, बाकी मैथमेटिक्स में 3 बता दे रहे हैं, 17-18 हो जाएंगे, बाकी धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा जैसे जैसे एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो यहाँ अगर हम बर्नौली थ्योरम को थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो बर्नौली थ्योरम में कहा गया रो जी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो बर्नौली में मिला है टोटल एनर्जी आप फ्लोइंग लिक्विड इसके अंदर, उसको रो जी से डिवाइड कीजिए। तो चलिए, लेट अस डिवाइड द इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन बाय रो जी। ठीक है, रो जी और के टी ये दो पैरामीटर हैं जो हमेशा फ्लोइंग लिक्विड या गैसेज में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बर्नौली इक्वेशन लिखते तो यही ना, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहा जा रहा है रो जी से डिवाइड करने के लिए, रो जी अपान। ठीक है, रो जी डिवाइड कर दिए, देखिए रो रो के कैंसिल हो गया। ठीक है, रो जी कैंसिल, ये हो गया पी बाई रो न जी, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू जी, और ये हो गया एच। अब डेंसिटी भी कांस्टेंट, ग्रेविटी भी कांस्टेंट, कांस्टेंट पूरे कांस्टेंट, मीन्स ओवरऑल सम न्यू नंबर में कन्वर्ट हो गया और का है ना, यानी इज द कांस्टेंट। इसको कहा गया प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, इसको कहा गया वेलोसिटी हेड, और इसको कहा गया ग्रेविटेशनल हेड। कम से कम डायमेंशन में ही आपसे पूछा जाता है ग्रेविटेशनल हेड का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो ग्रेविटेशनल हेड तो एच है और एच इन मीटर दैट इज एल हो गया। पूछा जाता है प्रेशर हेड का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो प्रेशर हेड एच में हेड है, इस हिसाब से क्या आना चाहिए इसका डायमेंशन, एल ए तो आना चाहिए, यानी कि आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नो डाउट पी अपान रो जी प्रेशर डेंसिटी ग्रेविटी निकाल सकते हैं आप, ये एल आएगा इसका भी डायमेंशन, एल इसका भी आएगा, एल इसका भी। वैसे भी आपको पता है कि अगर ये डिसिमिलर डायमेंशन के होते तो इनके बीच में प्लस या माइनस लग ही नहीं सकता था। एक क्वेश्चन तो एक पूरा हो जाता है कि आपको प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड की का डायमेंशन बुझाता है, इसका पर्पज क्या है। अगर इसका पर्पज आपको बताएं तो पर्पज ये है कि घर में जो आप वाटर सप्लाई का आपने जो जाल बिछाया हुआ है और नेटवर्क, वो इस तरीके को फॉलो कर रहा है, क्या घर की सभी टैपों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी आता है, हाँ या ना? क्या ऐसा नहीं लगता है कि टैंक से जितना दूर होगा टैप, जैसे टॉप मोस्ट फ्लोर पर टंकी है और बॉटम फ्लोर में टैप है, उसे देखते हैं कितना तेज पानी निकलता है। अच्छा, जिस फ्लोर में टैंक है उसी फ्लोर में टैप लगा होगा तो बुलबुल बुलबुल धीरे धीरे पानी निकलेगा। एक ही फ्लोर में क्या सभी टैप बराबर हाइट पर होते हैं? कम से कम जो सर के ऊपर सावर होगा वो तो ऊंचाई पर होगा ना, कि वो भी नीचे लगाया हुआ है, मतलब बैठ के टैप तो बकेट के साथ लगी होगी, चलिए ठीक है बहुत लगी इतना लगी होगी, लेकिन वो जो हेड सावर होगा वो तो ऊपर ही लगा होगा ना। मतलब जो वाटर टैंक है के रिस्पेक्ट में डिफरेंट टैप की हाइट का जो डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है ना, टैंक और टैप के बीच जो हाइट का डिफरेंस है
प्रेशर हेड डिफाइन करता है कि टैप के माउथ पर कितना प्रेशर दें, उसी प्रेशर से ना लिक्विड निकलता है। दूसरा, जब टैप और टैंक के बीच का जो हाइट है, ठीक है, वही तो प्रेशर डिफाइन करेगा, एच रो जी, तो वो प्रेशर हेड हो गया। टैप आपने खोला, निकला पानी उससे डेफिनेट वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी हेड हो गया। और जमीन से कितनी ऊंचाई पर टैप है, एच ग्रेविटेशनल हेड हो गया। यानी टंकी का प्रेशर, निकलने वाले पानी का प्रेशर और बॉटम से, दैट इज ग्राउंड से टैप की हाइट, ग्रेविटेशनल हेड, ये तीनों मिला के कंजर्व होता है। डिफरेंट टैप पर हाथ रखे हैं तो हर बार तो ये कांस्टेंट रहना है, किसी का ये ज्यादा है, किसी का ये ज्यादा है, किसी का ये ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्यों वेरिएशन हो रहा है? कि कोई टैप ऐसा है कि टैंक के रिस्पेक्ट में ज्यादा डिस्टेंस पर पड़ गया है, ज्यादा डेप्थ पर, प्रेशर हेड खूब बढ़ गया, उसका वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड कम हो गया। या पता चला कि जमीन से भी ऊंचाई बढ़ा दी आपने टैप की, ग्रेविटेशनल हेड, प्रेशर हेड हाई, ग्रेविटेशनल हेड हाई, तो वेलोसिटी हेड को तो लो होना होगा ना, पानी गिर, ठीक है। अगर आपने प्रेशर हेड बढ़ा लिया है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल हेड लो कर लिया है, तो वेलोसिटी हेड बढ़ जाएगा। अभी पूछा जाए जो वायरिंग करने आते हैं पानी का, कि बेटा ये जो टैप लगाया है वो, चाहे भैया चाहे बाबू, ठीक है, वो प्रेशर हेड कितना है, तब ठीक हो जाएंगे। क्या करना, दौड़ाते ले चल, कहाँ हम फॉलो करते हैं, किचन में टैप ऊंचा है बेसिन पर, और वहीं बगल में वॉशरूम में टैप नीचा है, एक फ्लोर में एक ही लेवल पर सारा टैप होना चाहिए था, ठीक है, कौन फॉलो करता है? हम लोग को अपनी नीड एंड नेसेसिटी, भाई यहाँ पैर धोना है तो भाई पैर के सीट में लगाओ, यहाँ सर भिगोना है तो सावर लगा दो, किचन में बेसिन में काम करना है, मेन जो सप्लाई होती है वो एक लाइन में जानी चाहिए और उसमें से आर्म निकल निकल के, ठीक है, यहाँ तो मेन सप्लाई आई, टैप ऊपर करना है तो सप्लाई ऊपर मोड़ के टैप लगा के आगे बढ़ा दिया, गलत है। इसीलिए डिफरेंट टैप में बिना सेम लेवल, बिना सेम फ्लोर, अलग अलग पानी आता है। ये जो वायरिंग की गई है, इस वायरिंग का रूल है, ये वायरिंग की एक लेंथ देख रहा है, इस सीरीज में कोई डिवाइस नहीं लगनी चाहिए थी, देखिए गलती किया है, उसी में एक सी इफेक्ट मिल दिया, ठीक है, उसी में ये फैन जो, अब जैसे देखिए एक निकल के ऊपर गया, वो सही है, वो सही है, मतलब एक मेन सप्लाई दौड़ा दी गई सीधी, उसमें से नोड निकाला जाता है आर, सो दैट ये डिसाइड करा सके कि हर हालत में आपको सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। घर की वायरिंग में एक लेवल में पाइप जाता है, और अगर आपको बोर्ड चाहिए या सी एफ एल चाहिए तो ऊपर नीचे आर निकाली जानी चाहिए, ठीक है, अगर वो लेवल बराबर है तो हर पॉइंट पर ये सारे पैरामीटर बराबर होंगे, तो इस बात का हम लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं, ठीक है, वाटर को कॉमनली जोड़ते चले जाते हैं। अब चूंकि हम लोगों को पता है कि हाई हाइट पर टैंक रखे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हाई है, तो टैप को आप खोलेंगे तो जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो तुरंत काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बस इसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर बर्नौली थ्योरम का इस्तेमाल करते तो हमको टैप से अच्छा खासा पानी मिल जाता, क्लियर, तो यही अंतर होता है इंजीनियर और डिप्लोमा में, ठीक है, डिप्लोमा वालों का ठोक के चला जाएगा काम चलाओ, और इंजीनियर होगा तो बाकायदा आपको पूरा प्रिंसिपल फॉलो करते, क्या अंतर पड़ेगा? लोग तो ये बोलेंगे ना, कभी कहा कि एक लाइन में लगा दिया और क्या किए, अरे क्या बताए, लाइन में लगा दिए तो उसका बेनिफिट आपको मिलना है ना, तो दूसरी चीज़ हो गया, बात है समझा पाए तब तो यहाँ बर्नौली ने लिक्विड फ्लो के लिए, अब देखिए नगर निगम जो पानी सप्लाई करता है वो एक मोटा पाइप दौड़ा दिया पूरे मोहल्ले में, उन्हें बोला कि एक मोटा पाइप लेके आया, आपको पानी चाहिए, आपके घर में मोड़ दिया, ठीक है, आप ले लिए पानी, फिर मोड़ के ले आया भाई, हाँ भाई और किसको चाहिए, फिर उनके घर में घुसा दिया ना, एक पाइप दौड़ा दिया सीधी लाइन, क्यों, गवर्नमेंट भी तो पावर स्टेशन से लेके अपना केबल दौड़ा के चली गई है, आप जगह जगह कनेक्शन ले रहे हैं ना, कि पोलो उठा घर में गड़वा ले रहे हैं, क्यों भाई हमारे घर में आओ आओ आओ, लाइट आनी है, तो मतलब एक लाइन दौड़ा दी गई और उसमें से आप जंक्शन तैयार करते हैं। अगर ऐसा है तो ये वाला प्रेशर हेड, पानी की बात कर लीजिए, ग्रेविटेशनल वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड कर जाते हैं, ठीक है, तो मेन सप्लाई लाइन एक लेवल पर होनी चाहिए, उससे टैप आप इधर उधर कर सकते हैं, तो इसी को प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड कहा गया। चलिए ठीक है, एप्लीकेशन में आते हैं, एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन देखिए, क्या ऐसा नहीं होता है कि समुद्रों में, इन द सी, अगर आप थोड़ा बीच में जाएं गहरे की तरफ तो वहाँ वाटर एकदम साइलेंट होता है, ठीक है, और जैसे जैसे आप बीच पर आते हैं
दैट इज किनारे आते हैं, बीच में नहीं जाते हैं, ठीक है। यानी कि समुद्र है उसके बीच पर, यानी किनारे आ रहे हैं, बीच में नहीं, हम कह रहे हैं, ठीक है, किनारे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो डेप्थ कम होता जाता है किनारों पर, जो पानी है और जो बीच है उसके बीच डेप्थ कम होता जाता है। जैसे जैसे हम गहरे पानी की तरफ जाएंगे एकदम साइलेंट होता जाएगा, और जैसे जैसे हम साइड में आएंगे वैसे वैसे उसमें टाइट बढ़ता जाएगा, दैट इज पानी में उछाल बढ़ता जाएगा। जरा देखिए बर्नौली तरफ से कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, कहाँ गया बर्नौली, ये है जब हम इन द मिड ऑफ सी जा रहे हैं जहाँ डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है तो क्या बढ़ गया, रोजीएच बढ़ गया। अगर ये बढ़ गया तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली एनर्जी है, ये कम होना होगा। गहरा जल सदैव शांत होता है, इसलिए कुएं का पानी कभी देखा है छलकते हुए, कभी देखा है कि कुएं झांके देखते देखते, हाँ वैसे आपने कुआं देखा ही कहाँ होता है, देखे है, अच्छा अभी गनीमत है, अभी इतना भी नहीं गया हुआ है, कम से कम इसी मोहल्ले में कुआं है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो वेल है कुआं उसमें डेप्थ ज्यादा है ना, एच काफी गहराई है, उसका पानी कैसा है, साइलेंट है। और अगर वाटर का डेप्थ कम है तो उसमें मूवमेंट ज्यादा है। जो नेवी सेलर होते हैं, जैसे मैं अभी गंगा रिवर में गया था, इतना दिन हुआ, लास्ट ईयर गया था, तो वहाँ बोट से सब घुमाते हैं ना, तो बोट से ले चलो खूब दूर, दो चार घंटा थोड़ा उसमें रुके, तो जब वहाँ ले गए तो देखे कि बीच बीच में से बचा के ले जा रहा है, मतलब इतना कैरी कर रहा था, कह रही डिस्टर्ब हो रहा है, सीधे चलो, तो बोला था बाप बहुत गहरा है वहाँ, तो अच्छा फिर आगे ले, फिर मोड़ ले, इधर ले जाए, फिर घुमा के ले आए, क्योंकि सीधे चलो ना दूर तक जब दिख रहा है, कैरी का कटारो ट्रैफिक की तरह, तो बार बार बोले बाबू यहाँ बहुत गहरा है, अब उसको कैसे पता चल रहा था यहाँ बहुत गहरा है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई लेजर टॉर्च थी और ना कोई मेजरिंग सिस्टम था, उसको कैसे पता चल रहा था। लिक्विड में मूवमेंट देख करके, जहाँ लिक्विड एकदम डेथ साइलेंट, एकदम देख के डर लगे, ठीक है, मतलब वहाँ गहराई ज्यादा है, जैसे ही वहाँ जाते एक तो भंवर क्रिएट होता है, एडी चले जाते नीचे, ऊपर से दबा देती गंगा मैया, हरिओम तस्तर। अच्छा लोग नहाने जाते हैं, कहते हैं ना पैर फिसला बह गए, डेप्थ में अगर गए प्रेशर बढ़ा, और जैसे ही गए वो गए उनके मूवमेंट से लिक्विड में मोशन हुआ, मोशन होते ही जो है जैसे ही मूवमेंट हुआ वैसे ही प्रेशर वेरिएशन हुआ, प्रेशर वेरिएशन हुआ तो चले गए नीचे, ऊपर से लिक्विड आप उनको दबा दे, समाधि जल समाधि, ठीक है। अक्सर तो जो वहाँ के हैं जो जो सभी बोट चलाते हैं उनसे पता है कि वहाँ बहुत गहरा है, वहाँ बहुत गहरा है, वहाँ बहुत गहरा है, अकॉर्डिंगली बचा बचा के ले जाते हैं, ठीक है। तभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मूवमेंट फास्ट रहता है, नहीं पता चलता। तो इसी तरह डीप सी में आप जाएंगे थोड़ी थोड़ी पानी एकदम बहुत ज़्यादा साइलेंट होगा, मतलब वहाँ किलोमीटर में डेप्थ है, जहाँ जहाँ गहरा समुद्र है वहाँ वहाँ पानी एकदम साइलेंट है, कोई उसमें मोशन या मूवमेंट नहीं है, तो पता चलता है कि साइलेंट है मतलब गड़बड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो यही से तो आ रहा है, अगर रोजीएच ज़्यादा है तो हाफ रोजी स्क्वायर कम हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी तो कम जाएगा, ठीक है, उनके फ्लोइंग एनर्जी है। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जब आंधी पानी आता है तो जो टिंड रूफ होते हैं, जो इंसेट लगे होते हैं, वो बड़ा जेंटली उठते हैं हवा के साथ और चले जाते हैं, जैसे लगे कि हाँ मतलब वॉल डैमेज नहीं करते हैं, अक्सर होता है टीना ना उड़ जाता है, ठीक है, तो वॉल डैमेज नहीं करते हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे जेंटली उनको उठाया गया हो और फिर एयर के फ्लो में चले गया हो। उसका रीजन जानिए, देखिए कितना बढ़िया है, देखिए ये है स्वीट होम, स्वीट होम, ये देखो भाई, इससे अच्छा घर हमारे पास नहीं है, सीनरी में तो यही बार आते आए हैं, तो अब कौन सा नया घर मिलने वाला है, ठीक है। अब जब काफी तेज हवा चल रही थी, ये देखिए काफी तेज, तो देखिए हवा तेज, हवा तेज यानी वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, घर के अंदर तो खिड़की दरवाजा चारों ओर से बंद कर लेते हैं जब अंदर पानी आता है, काहे, ताकि धूल ना आ जाए, क्यों, ताकि धूल ना अंदर आ जाए, तो अंदर का तो एयर वेलोसिटी है नहीं, अंदर तो एयर की वेलोसिटी निल है ना, निल, एयर वेलोसिटी निल, प्रेशर हाई, घर के अंदर प्रेशर क्या हो गया, हाई, क्लियर है, कैसे, V प्लस हाफ होगी इस बारे कांस्टेंट, जमीनी पर घर है, इसीलिए रोजिया छटा लिए, ग्राउंड से हाइट पर होंगे,
कई फ्लोर होगा तो ये चलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि घर के अंदर तो हमने बंद कर लिया चार ओर से, तो एयर सस्टेन कर गई ना, घर के अंदर वेलोसिटी एयर की जीरो हो गई। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो प्रेशर हाई हो गया। अब बाहर काफी तेजी से एयर निकल रही है, एयर के पास बाहर हाफ रूवी स्क्वायर ज्यादा है तो पी कम हो गया, यानी कि छत के नीचे प्रेशर ज्यादा है और छत के ऊपर प्रेशर कम है। लिफ्टिंग प्रेशर काम कर रहा है, ऐसे लग रहा होगा कि जैसे किसी ने उसको जेंटली ऊपर उठा दिया हो, सो दैट ये लिफ्ट होगा और फ्लोइंग एयर के साथ निकल जाएगा। और एग्जांपल ले लीजिए, क्या तेजी से जब ट्रक या बस या कार रोड में निकलती है तो क्या रोड साइड के जितने भी डस्ट पार्टिकल या पेपर है उसे पीछे हम नहीं बार 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 पीछे चले आते हैं? क्यों? अगेन दिस इज गोइंग टू द बर्नौली थ्योरम। जमीन पर ही है तो रोजियस नहीं लेंगे, हाफ रोवी स्क्वायर। बीच रोड में ट्रक तेजी से निकल गया, ट्रक तेजी से निकल गया यानी कि वहां एयर के पास हाफ रोवी स्क्वायर जनरेट हो गया, पी कम हो गया। यानी बीच रोड में ट्रक जब आगे बढ़ा तो अपने साथ वो एयर भी लेने ले जाने की कोशिश किया, इस प्रोसेस में बीच रोड में एयर की वेलोसिटी बढ़ गई, एयर की वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया। बीच रोड में प्रेशर कम है, अब किनारों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस काम करने लगा। रोड साइड प्रेशर ज्यादा है, अब मिड रोड प्रेशर कम है, सारे धूल धक्कड़ पेपर जो भी हल्के पार्टिकल हैं ठीक है वो सब फट से बीच में आके स्ट्रीम हो जाएंगे, बीच में आके कलेक्ट हो जाएंगे, फ्लोइंग एयर के साथ चलेंगे। इसीलिए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ती है तो पीछे धूल धुआं गुब्बार लेकर चलती है। और याद कीजिए जब आप छोटे कहीं घूमेंगे, छोटे तो यहाँ जब आप छोटे रहे होंगे और स्टेशन वगैरह पे आप जाते होंगे किसी को ड्रॉप करने ठीक है या पिकअप करने, तो देखते होंगे जब सुपर फास्ट ट्रेन आती है तो बच्चों को ट्रेन से दूर किया तक चले जाइए, होगा क्या या सभी लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। आगे तेजी से ट्रेन आगे बढ़ेगी, अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर ले जाएगी, हाफ रूवी स्क्वायर ज्यादा, पी कम, आगे प्रेशर कम, पीछे प्रेशर ज्यादा। यानी आगे जो तेज ट्रेन चलती हुई निकल रही है उसके पास प्रेशर कम है और पीछे प्रेशर ज्यादा है, क्या एक प्रेशर डिफरेंस नहीं आपके ऊपर काम करेगा और आप ट्रेन में चढ़ जाएंगे फट से? अगर कंपार्टमेंट में एंट्री कर गए तब तो ठीक है, अगर कहीं दो ट्रेनों के बीच गैप होता है उसमें एंट्री कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो क्या हुआ जी, साइकिल आपको मार रहे थे पकड़ गए, हम पकड़ गया जब एक एक हमारे यहाँ की भी एक साइकिल गायब हो गई, हाल है वही पकड़ लेंगे सामने नीचे है, अच्छा एक साइकिल गायब हुई इसी बैच बच्ची आ गई। हाँ ये फोटो हमारे पास, एक फोटो है, फोटो भी है, दो फोटो है शोरूम मिल जाए तो इसी से रिकॉर्डिंग सब लोग सहज की है, आराम से चोरी करते हुए दिखा है, लेकिन बात है कि टाइम ही नहीं था कि हम लोग जो है रुक के दो चार दिन चले, ठीक है कल हम लोग इसका देखेंगे फर्दर एप्लीकेशन।